हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैना और मेरे चैनल का नाम है लखनवी कपल। ये जो मैं आपको दिखा रही हूं बास्केट, ये मेरे घर से आई थी। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो चलिए देख लेते हैं। ये एक तरीके का बायना मेरे घर से आया था, ये मुझे 1 तारीख को रिसीव हो गया था। तो इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। आज ये करवा चौथ वाले दिन ही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे ओपन करके सारा सामान निकालना था। तो फर्स्ट मेरे हाथ में है ये कैलेंडर, ये है श्रृंगार का सामान जिसमें कांच की कंगन है, सिंदूर है, बिंदी है और एक रिंग आपको दिख रही होगी। ये है कुटिया और पोहा जो होता है भरा जाता है करवा में। ये पूरा सेट मम्मा ने भेजा है, थाली और छन्नी और लोटे का। ये है मेरा करवा जो कि बहुत ही सुंदर मम्मी ने भेजा था, इसमें हमारा और अचल का नाम भी लिखा हुआ है। और ये है मिट्टी का, जो क्योंकि अगर मैं सिंगल पूजा करूँगी तो नॉर्मल सी बात है तो मुझे करवा रखने होंगे, तो मम्मा ने ये तो ये भी भेजा है साथ में। ये है पापा के लिए कपड़े, हालांकि सास के लिए कपड़े आते हैं तो यहाँ पे सास नहीं है तो पापा के लिए कपड़े आए हैं। और मेरी तो यहाँ पे मैं पार्लर आई हूँ थ्रेडिंग, वैक्सिंग और अपर लिप फेशियल वगैरह, ब्लीच वगैरह कराने। थोड़ा सा यार करवा चौथ है तो सजना संवरना तो बनता ही है, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने, आज है 3 तारीख और 2 तारीख को मैंने फेशियल का सारा काम निपटा लिया था। करवा चौथ के 2 दिन पहले से ही सब शुरू हो जाता है। मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ, हमारे घर के पास पड़ता है राजा जी पुरम, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं मेहंदी लगवाने के लिए और काफ़ी अच्छी और प्रोफेशनल मेहंदी लगाते हैं, मतलब बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। तो ये देखिए मेरी मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। पूरी वीडियो बनाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग दिखा रही हूँ आपको। और ये ब्लॉग जो है पूरा करवा चौथ पे ही डिपेंड है, इसमें मैं पूजा तक आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी, तो आखिर तक बने रहिएगा। सारी फ़ोटोज़ ऐड करूँगी, बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लगा और जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सब भी बताइएगा कि आप लोगों को करवा चौथ कैसा रहा और आप लोगों ने क्या क्या पहना, क्या नया रहा, सब कुछ बताइएगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट करवा चौथ है। कई लोग पूछ रहे थे कि मेरा ये फ़र्स्ट कैसा हुआ, शादी को तो 3 साल हो रहे हैं। तो फर्स्ट इसलिए रहा क्योंकि यार कुछ सूरज वूरज डूबा हुआ था जब मेरी शादी हुई थी 2018 में, तो उस चक्कर में मैं 2 साल अपना करवा चौथ नहीं मना सकती थी। तो ये मेरा इसीलिए फ़र्स्ट करवा चौथ था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पहली बार करवा चौथ का व्रत रख के। और आप लोग को ये जब व्लॉग मिलेगा तो आई थिंक करवा चौथ निकल चुकी होगी, मतलब 5 तारीख तक आपको ये व्लॉग मिलेगा। तो आप सब सुहागन को करवा चौथ की बहुत 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 बधाई। तो ये बैंगल्स आई थी मेरे घर से, देखिए बताइएगा ज़रूर कैसी हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी होके ऊपर आ गई हूँ पूजा करने के लिए और पापा यहाँ पे कथा पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कोई बड़ा अच्छा कथा सुनाएगा तो अच्छा लगेगा, तो मैं इसलिए पापा से पढ़वाई, पढ़ने को तो मैं भी पढ़ सकती थी बट मैंने पापा से कहा कि पापा आप सुना दीजिए। तो यहाँ पे अचल जी कहीं से भी कोई भी कैसे भी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है फाइनली, और पूजा जल्दी से कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं और आगे बने रहिएगा। अभी पिक्स ऐड करूँगी और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। जब भीतर गई तो साथ में कहा